अपनी सुयोग्य और संवेदनशील लेखन क्षमता से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आज 160वीं जयंती है। गुरुदेव न सिर्फ महानतम कवि थे बल्कि सफल चित्रकार, दार्शनिक, संगीतकार और नाटककार के विलक्षण गुण भी उनमें मौजूद था। आपको बताते चलें कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में आज ही के दिन यानी 7 मई 1861 को हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। उन्होंने आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल से पूरी करने के बाद बैरिस्टर बनने की इच्छा से लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, लेकिन 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश वापस आ गए। ब्रह्म समाज 19वीं शताब्दी के बंगाल में एक नया धार्मिक संप्रदाय था जिसने हिंदू धर्म के अंतिम अद्वैतवादी दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर 1842 में शामिल होने वाले महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पिता ने संभाली। रविंद्रनाथ टैगोर के सबसे बड़े भाई का नाम द्विजेंद्रनाथ था जो एक दार्शनिक और कवि थे, जबकि इनके एक अन्य भाई सत्येंद्रनाथ थे जो कि सबसे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ऑल इंडिया यूरोपियन सिविल सर्विस के लिए नियुक्त किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके अन्य नामों भानु सिंह ठाकुर, गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर एक नीतिज्ञ, कवि, संगीतकार, कलाकार और आयुर्वेद शोधकर्ता भी थे। उन्होंने बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकतावाद के साथ भारतीय कला का पुनरुत्थान किया। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित थे। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साल 1913 में संवेदनशील और बेहतरीन कविता के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। यह पुरस्कार जीतने वाले वह पहले गैर यूरोपीय थे। गीतांजलि की लोकप्रियता के कारण इसका अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, रूसी आदि भाषाओं में अनुवाद किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य कृतियों में काबुलीवाला, मास्टर साहब और पोस्टमास्टर आज भी लोकप्रिय हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के लिए जनगणमन और बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला को राष्ट्रगान के रूप में लिखा। इस तरह दो देशों का राष्ट्रगान लिखने वाले वे एकमात्र कवि हो जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने गैर भावुक और दूरदर्शी तरीके से समय समय पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया और वे आधुनिक भारत के राजनीतिक पिता महात्मा गांधी के मित्र थे। लेकिन आपको अवगत करा दें कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रवाद और मानवता को लेकर वैचारिक मतभेद था। जहां महात्मा गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। 16 अक्टूबर 1905 को कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया जिसने बंग भंग आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इसी आंदोलन ने भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात भी किया था। साल 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार का
विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। गौरतलब है कि नाइटहुड की उपाधि मिलने के बाद नाम के साथ सर लगाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई संस्थानों की स्थापना भी किया। साल 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना बोलपुर के पास किया। बाद में इसका नाम उन्होंने शांति निकेतन रखा। इसके बाद 1905 में श्री निकेतन की स्थापना की। श्री निकेतन का प्रयोग आरंभ करने के लिए उन्हें विदेशी सहायता पर निर्भर होना पड़ा था। श्री निकेतन प्रयोग के दौरान ग्रामीण समाज की विशेष जरूरत के आधार पर विकसित आत्म सहायता और सहयोग के जरिए सामुदायिक विकास पर ध्यान दिया गया। 1901 के अंत में शांति निकेतन का विस्तार विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। यह विश्वविद्यालय अपने आदर्श वाक्य यत्र विश्वम भवेत्यनीलम को साकार करता है। साल 1951 में भारतीय संसद में विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। 7 अगस्त 1947 को कलकत्ता में यह बंगला कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार पंचतत्व में विलीन हो गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी 160वीं जयंती पर हमारा सत सत नमन।